तुम मोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। घर पर रहना ठीक है तुम्हारा, वरना समाज क्या कहेगा? अरे शादी कौन करेगा तुमसे? एक्स्ट्रा दहेज देना पड़ जाएगा तुम्हारी शादी में। ये सब बातें अनसुना करने का अब टाइम आ चुका है, और इसका बेड़ा उठाया है नेपाल की खूबसूरत मॉडल जेन दीपिका गैरेट ने। जी हाँ, ये खूबसूरत महिला मिस नेपाल जेन है, जो फिलहाल पूरी दुनिया में सुर्खियों में बनी हुई है। वजह, मिस यूनिवर्स 2023 में इन्होंने नेपाल को रिप्रेजेंट किया। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो देखिए, अल सेल्वाडोर की राजधानी सैन सेल्वाडोर में मिस यूनिवर्स 2023 का कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन इस बार का मिस यूनिवर्स खिताब एक अलग वजह से सुर्खियों में रहा। इसका कारण है नेपाल को रिप्रेजेंट करने वाली मॉडल जेन दीपिका गैरेट। जेन दीपिका गैरेट ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने वाली पहली प्लस साइज मॉडल बन चुकी हैं। जी हाँ, इस साल मिस यूनिवर्स में ट्रांसजेंडर से लेकर प्लस साइज मॉडल तक ने हिस्सा लिया है। इस वजह से इस बार ये खिताब कई मायनों में खास रहा। इवेंट में प्लस साइज मॉडल जेन दीपिका गैरेट ने दुनिया को बता दिया कि दुबली पतली मॉडल जैसी रूढ़िवादी सोच सिर्फ समाज को खोखला बना सकती हैं, उन्हें नहीं। जेन जब रैंप पर वॉक करने आईं तो उन्हें सब देखते ही रह गए, क्योंकि जेन ने उन सभी के मुंह पर तमाचा कसा जिन्हें लगता है कि प्लस साइज का मॉडलिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। प्लस साइज मॉडल जेन दीपिका ने बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा दिया। जेन का कहना है कि ब्यूटी के लिए साइज मैटर करता है, ये सोच हमें बदलनी होगी। फैशन और ब्यूटी सेक्टर में इस सोच को अब पीछे छोड़ने की बारी आ चुकी है। वहीं इस कंपटीशन में भारत की ओर से श्वेता शारदा भी मौजूद थी, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं क्वालिफाई कर पाई। बात करें कंपटीशन के विनर की, तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब निकारागुआ की शैनिस पलासियोस ने अपने नाम किया। वहीं थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सील्ड पहली रनर अप रही, लेकिन विजेताओं से ज्यादा सुर्खियों में बनी रही जेन। और मिस यूनिवर्स 2023 के कंपटीशन में इतिहास रच दिया। अब देखिए, ये तो बात है जेन की, लेकिन ऐसी लाखों महिलाएं जो अपनी बॉडी को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योर रहती हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी। लेकिन अब आपके सामने एक ऑप्शन है जहां पर आप खुद पर बिलीव करें तो दुनिया आपके साथ है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए और एंटरटेनमेंट की फुल टू डोज के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज़।